कौन से यूट्यूबर की वीडियो अच्छी नहीं लगती? मम्मी पापा ने मुझे घर से बाहर निकाल दिया था। BTS के बारे में इतने सारे क्वेश्चन, आपके लिए एक सरप्राइज आ रहा है। मैक्सिमम मेरी यूट्यूब से इनकम है। Hi guys, welcome back to my show. तो आज के शो पे हमारे साथ प्रगति वर्मा। तालियां तालियां। आपने अपना YouTube चैनल कब, क्यों और कैसे स्टार्ट किया था? तो मैंने अपना YouTube चैनल स्टार्ट किया था 2018 में, बट मैं उस टाइम बिल्कुल भी एक्टिव नहीं थी। 2019 में थोड़ी सी एक्टिव थी, बट उसके बाद लॉकडाउन हो गया तो मैं बहुत ज़्यादा एक्टिव हो गई। और मैंने क्यों स्टार्ट किया था, बस ऐसे यार बोर हो रही थी और मुझे लगा कि यार मैं भी कर सकती हूँ YouTube, तो खोल दिया। तुम्हारे मम्मी पापा का रिएक्शन क्या था YouTube स्टार्ट करते के टाइम? यार मम्मी पापा ने मुझे घर से बाहर निकाल दिया था, मैं मजाक कर रही हूँ। ऐसा कुछ खास रिएक्शन नहीं था, क्योंकि कभी भी घर में ऐसा रिस्ट्रिक्शन नहीं था कि ये नहीं करना है वो नहीं करना है, तो काफ़ी कूल थे यार दोनों ही कि हाँ ठीक है कर लो। कि आपने दो रंग के जूते क्यों पहने? जूता मेरा चोरी हो गया तो मैंने दूसरा वाला जूता किसी और का चोरी करके पहन लिया। तो लूशी आपके साथ कब से है? लूशी यार हमारे घर पे 2 महीने की थी तब आई थी, और अभी वो 5 साल की है। तुम्हारा सबसे डरावना सपना क्या है? यार मुझे हमेशा भूतों के सपने आते हैं, एक तो पता नहीं क्यों। लेकिन एक बार ना क्या हुआ था, एग्जाम के एक दिन पहले मुझे ऐसा सपना आया था कि मेरा इंग्लिश का पेपर छूट गया, वो बोर्ड एग्जाम के दिन, और मैं बहुत ज्यादा रोने लगी थी, तो बहुत डरावना था वो, भूतों से भी डरावना। अच्छा, क्या तुम्हें कुछ अपने सब्सक्राइबर्स के नाम याद है? हाँ यार मुझे बहुत सारे सब्सक्राइबर्स के नाम याद है, वैशु, श्रेया, सृष्टि, मान्या, महकप्रीत, बहुत याद है, टीना परवीन। और मुझे यहाँ पे तो समझो जितने पुराने सब्सक्राइबर्स हैं मैक्सिमम का याद होता है, उनकी डीपी से याद है। डीपी मुझे याद होती है बिल्कुल, अगर आपकी डीपी वो सेम है ना तो मैं आपको तुरंत पहचान जाती हूँ, अच्छा ये वही है जिसने ये वाली कमेंट की थी। तो नेक्स्ट, अबे यार रिपोर्टर मैं हूँ। हाँ तो नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि आपको कौन से यूट्यूबर की वीडियो अच्छी नहीं लगती है? यार मुझे जिसकी वीडियो अच्छी नहीं लगती मैं उसकी वीडियो देखती रही हूँ, और ऐसा हो सकता है ना कि मैं बहुत टाइम से उसकी वीडियो नहीं देख रही हूँ तो वो शायद अच्छी वीडियो बनाता हो, तो पता नहीं, मुझे नहीं पता। आप कहाँ रहती हो? मैं रहती हूँ यूपी में, यूपी इज ओपी। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि आपकी मिनिमम और मैक्सिमम इनकम आज तक यूट्यूब से क्या है? तो मेरी मिनिमम यूट्यूब से इनकम थी 7000, और मैक्सिमम मेरी यूट्यूब से इनकम है यार लाखों में हो गए थे। पैसा होगा। तो तुम्हारा बॉयफ्रेंड कौन है? गाइस मेरा कोई बॉयफ्रेंड नहीं है, मैं एकदम सिंगल हूँ, हक से सिंगल। आपका क्रेजीएस्ट फैन मोमेंट क्या था? क्रेजीएस्ट फैन मोमेंट ये था कि मैं सड़क पे ऐसे खड़ी थी और वहाँ से एक कार जाती है और पीछे एक छोटी बच्ची थी और वो ऐसे स्क्रीम कर रही थी कि यार प्रगति दीदी प्रगति दीदी, तो मुझे इतना ज़्यादा अच्छा लगा, और उससे मुझे रियलाइज हुआ कि यार भाई लोग जानते, मतलब मैं सड़क पे ऐसे नॉर्मली खड़ी हुआ, सड़क पे नॉर्मली नहीं खड़ी थी, झाड़ू लगा रही थी सड़क पे। गाइस वो मेरा पार्ट टाइम जॉब है। तो तुम्हारे 10th 12th के रिजल्ट क्या थे? 10th में मेरे आए थे 87 पॉइंट समथिंग और 12th में आए थे 93 पॉइंट समथिंग। तुम होम टूर कब कराओगी? गाइस मेरा घर ना भी बन रहा है, बट आपके लिए एक सरप्राइज आ रहा है, मेरा स्टूडियो बन रहा है जिसमें आपके लिए मैं वीडियो शूट करूंगी। और एक और क्वेश्चन था कि जो मैंने अभी रिसेंटली रूम टूर दिखाया था ट्रांसफॉर्मेशन वाला, वो आपका रियल रूम है, आप उसी में रहते हो? नहीं गाइस, उसमें मैंने ना वीडियो शूट करने के लिए आपके लिए डेकोरेट करके रखा है ताकि वीडियो शूट करने के लिए कुछ बैकग्राउंड मिल जाए, बट मैं स्टूडियो टूर बहुत जल्दी कराने वाली हूँ एंड आई एम सो एक्साइटेड क्योंकि बहुत टाइम से वो बन रहा है। तुम पढ़ाई में क्या करती हो? तो गाइस मैं अभी कर रही हूँ बीकॉम सेकंड ईयर। आपके कितने सिब्लिंग्स हैं? तो मेरी एक बहन है और मेरे एक बड़े भैया हैं। प्रतीक भैया मेरे कजन है। चूज एनीवन, भैया या दीदी? गाइस दीदी। तुम्हारा डीपेस्ट सीक्रेट क्या है? तो मैं कभी कभी आज भी मम्मी के हाथ से खाना खाती हूँ, कभी मुझे अच्छा लगता है यार मम्मी के हाथ। सबसे ज्यादा गुस्सा कब आता है? जब मुझे बहुत जोर से भूख लगी रहती है और मुझे कुछ खाने को नहीं मिलता तो मैं, मुझे गुस्सा आता है, मैं रोने लग जाती हूँ बहुत ज्यादा। अच्छा ठीक है। आपका एज क्या है? मैंने वीडियो डाल के रखा है यहाँ पे देख लो। आर यू अ फुल टाइम यूट्यूबर? जी हाँ। फेवरेट यूट्यूबर? फेवरेट यूट्यूबर मेरे बहुत सारे फेवरेट यूट्यूबर हैं, लेकिन करंट फेवरेट है बेलुगा और वो मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो भी करता है। ओ माय गॉड, अगर एक और मैं बता देती हूँ शॉर्ट्स में, मिस्टर बीस्ट को आप जानते होंगे, तो मिस्टर बीस्ट बेलुगा को फॉलो करता है एंड बेलुगा मुझे फॉलो करता है, तो मेरे लिए बहुत बड़ी बात है गाइस, मेरे लिए बहुत बड़ी बात है, क्लाइंट मेरे लिए। फेवरेट कलर ब्लू। और फेवरेट कंट्री आफ्टर इंडिया? फेवरेट कंट्री आफ्टर इंडिया साउथ कोरिया, मुझे जाना है गाइस। ठीक है, फर्स्ट क्रश? फर्स्ट क्रश दर्शन रावल। सेलिब्रिटी क्रश? दर्शन रावल। ओहो भाई कुछ अलग कर दो। करंट क्रश? दर्शन रावल। ये बताओ तुम फ्यूचर में क्या बनना चाहती हो? फ्यूचर में मैं बनना चाहती हूँ बस मैं खुश रहूँ, और जब मुझे लगे कि यार मैं सक्सेसफुल हूँ, अब मैं कैसे बताऊँ एक कोई, अब जैसे मुझे नहीं पता था मैं यूट्यूबर बन जाऊंगी तो मैं कैसे बताऊँ मैं क्या बन जाऊंगी। सबसे बड़ा डीमोटिवेशन और मोटिवेशन क्या है यूट्यूब पे?
हार्ड जब इतनी मेहनत से एक वीडियो बनती है एंड यूट्यूब क्या करता है उसे ट्रेंडिंग पे नहीं ले जाता है और इतनी मेहनत करो मेरे इतने सारे वीडियो उड़ा देता है तो बहुत बुरा लगता है। और मोटिवेट में भाई मैं जब ऐसे सैड होती हूँ यार फिर मैं जाती हूँ यार कमेंट्स पढ़ती हूँ, इतने अच्छे अच्छे कमेंट्स रहते हैं, इतने प्यारे प्यारे एडिट्स करते मेरे फैन पेजेस, मैं एकदम ऐसे खिल उठती हूँ कि लोग फिर देखती हूँ यार क्या आप और तृप्ति दीदी लड़ते हो, अगर लड़ते हो तो कैसे? हाँ गाइस हम बहुत ज्यादा लड़ते हैं और हम ऐसे लड़ते हैं। BTS क्या कब कैसे जानती हैं? क्योंकि मैं खुद से सारा बताती हूँ। BTS के बारे में इतने सारे क्वेश्चंस आते हैं तो मैं बताती हूँ। मुझे याद है 3 साल पहले से मुझे पता है BTS के बारे में। कैसे पता है मैं शॉर्ट में बताती हूँ जल्दी से। ओके तो हुआ क्या था, मैंने ना टिकटॉक या फिर कहीं पे ऐसे वी की एक टिकटॉक देखी थी, उसके बाद यार मैंने कहा यार अच्छा लग रहा है, तो उसके बाद यूट्यूब पे मैंने सर्च किया, बहुत सारे इंटरव्यूज आते रहते हैं आप जिसके बारे में भी सर्च करते हो, तो एक इंटरव्यू देखा फिर दूसरा देखा फिर तीसरा देखा फिर चौथा देखा, फिर पता चला कि हमें BTS वगैरह कुछ है, मैंने कहा यार ठीक है देखते हैं। और फिर जब मैंने देखा मतलब ऐसे देखा लाइक कितने टैलेंटेड है वो, कितने अच्छे हैं। और बहुत सारे लोग पूछते हैं कि आपका बायस कौन है, तो वैसे आप कह सकते हो वी, बट इवेंचुअली सबके लिए थोड़ा थोड़ा प्यार हो जाता है तो चूज करना बहुत डिफिकल्ट हो जाता है। एंड बहुत सारे लोग पूछते हैं क्यों तुम्हें पसंद है, तो यार वो ना ऐसा आप उनके लिरिक्स सुनोगे, अगर जो नहीं सुना होगा आप अगर उनके लिरिक्स सुनोगे तो आप फैन बन जाओगे, एक बार जाके सुनो। एंड यहाँ पे मैं K-pop और K-drama से रिलेटेड बातें कर रही थी जो कि बहुत बड़ा हो गया था। ये मेरे जितने फेवरेट्स हैं ना मैं यहाँ पे लिख दूंगी क्योंकि मेरे मन में बहुत ज्यादा है, लेकिन इतना बड़ा वीडियो बन जाएगा मैं बता नहीं पाऊंगी। सबसे डिफिकल्ट शूट कौन सा था आपकी जिंदगी? सबसे यार जो जायंट फूड वगैरह होता है ना वो बहुत डिफिकल्ट होता है, कोई सा भी ले लो मतलब हालत खराब हो जाती है। ठीक है। और मोस्ट फनीएस्ट शूट? वेलकम टू प्रगति शो। अच्छा आप क्या कर रही हैं अपनी जिंदगी में? मैं अभी बीटेक कर रही हूँ, मेरा फोर्थ ईयर है। फ्रॉम कॉलेज का नाम नहीं बताना था। आपकी एज क्या है? मैं से 2 साल बड़ी हूँ। अच्छा वो कैसा लगता है आपकी बहन प्रगति वर्मा है? अच्छा लगता है। दोस्त यार ज्यादा आने लगे हैं। हाय हेलो और बताओ। और तुम्हारा फेवरेट एक्टर और एक्ट्रेस कौन है? यार ये बड़ा ही कंफ्यूजिंग सवाल है क्योंकि जब भी जिस मूवी का ट्रेंड चलता है वो मेरा फेवरेट हो जाता है। फॉर एग्जांपल अभी मेरा फेवरेट है अल्लू अर्जुन क्योंकि उनकी मूवी मैंने पुष्पा देखी थी। हाँ। तो ऐसा चलता रहता है मेरा हमेशा। बेस्ट फ्रेंड कौन है तुम्हारा? मेरा कोई बेस्ट फ्रेंड नहीं है, मेरा इवन कोई फ्रेंड भी नहीं है, मेरी मम्मी है और दीदी वगैरह सब। क्या आपने कोई एडिटिंग कोर्स किया? आपकी एडिटिंग बहुत अच्छी होती है। अरे वाह थैंक यू सो मच। पहली बात तो गाइस मैंने कोई कोर्स नहीं किया है, बस मुझे एडिटिंग इतना ज्यादा अच्छा लगता है ना तो मैं बहुत ऐसे मन से करती हूँ तो शायद इसलिए अच्छा हो जाता है कभी कभी। तो जब आपका चैनल मोनेटाइज नहीं हुआ था तो आप कैसे क्या मैनेज करती थी? यार मैंने अपना चैनल कभी भी पैसों के लिए खोला ही नहीं था। और मुझे आप मानोगे नहीं, मुझे पता है बहुत सारे लोग नहीं मानेंगे लेकिन हमें पता ही नहीं था 50-60K सब्सक्राइबर्स हो गए तो पता भी नहीं था कि यूट्यूब से पैसा आता है। तो पैसे के लिए स्टार्ट नहीं किया था, सिर्फ फन के लिए किया था। लेकिन जब पैसा आ गया 2 लाख सब्सक्राइबर्स के बाद आए थे, 2 लाख के बाद हमारा चैनल मोनेटाइज हुआ। तो आपको क्या था जब पता चला तब लगा कि अरे ये क्या हमारे मेहनत के पैसे मिलते हैं? सबसे बड़ा फैक्टर क्या है जिसकी वजह से तुम सक्सेसफुल हो चुके? मेरी मम्मी, क्योंकि मेरी मम्मी मुझे बहुत 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 ज़्यादा सपोर्ट करती है। मतलब ऐसा कोई भी एक चीज़ नहीं होगा तो मम्मी से कहा कि मैंने मम्मी मुझे ये करना और मम्मी ने बोला नहीं कर। तो आई थिंक मैंने मैक्सिमम क्वेश्चंस का आंसर दे दिया है और अगर कुछ रह गया हो तो मैं अगर कोई क्वेश्चन रह गया हो तो एक काम करो नीचे कमेंट्स में जाओ और वो क्वेश्चन लिखो तो मैं उस क्वेश्चन का आंसर दे दूंगी इंस्टा स्टोरी या फिर यूट्यूब स्टोरी पे। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो और अच्छा लगा तो लाइक कर देना। थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो। बाय गाइस। अरे अरे जा कहां रहे हो, ये वाली वीडियो देखी क्या? नहीं देखी तो क्लिक करो और जल्दी से देखो।